नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर हिंदी पर। दोस्तों आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिससे कि लोग आजकल ज़्यादा ही कुछ परेशान हैं। तो पाइल्स यानी कि बवासीर। अगर आप पाइल्स से परेशान हैं तो पांच चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दें, अपने भोजन में बिल्कुल भी शामिल ना करें। तो आइए देखते हैं क्या क्या वो चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जिनसे आपको बदहजमी होती है और पाइल्स की समस्या होती है। तो बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिससे कि आप परेशान तो रहते ही हैं, साथ ही साथ आपका जीना भी मुश्किल हो जाता है। पाइल्स को एक ऐसी समस्या के रूप में जाना जाता है जिससे निजात पाना आसान नहीं होता है। कई बार तो ठीक हो जाने के बाद भी ये समस्या दोबारा हो जाती है और व्यक्ति इससे बच नहीं पाता है। पाइल्स को एक हद तक हम कम कर सकते हैं, इससे होने वाली तकलीफ़ों से बचा जा सकता है। इसलिए खानपान और दिनचर्या को संयमित रखना बेहद ज़रूरी है। यह रोग जब बढ़ जाता है तो बड़ा भयानक लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत भी छोटी ही होती है। और अगर कोई व्यक्ति बवासीर को जन्म देने वाली छोटी छोटी आदतों को बदल ले तो उसे यह रोग कभी हो ही नहीं सकता है। आइए जानते हैं पाइल्स में किन चीज़ों से रखें परहेज। तो दोस्तों पहला है तेल मसालेदार भोजन, इनसे तो दूरी बना के रखनी चाहिए। अत्यधिक तेल व मसालेदार भोजन आपके लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर इस तरह के भोजन से बचने की सलाह उन लोगों को भी देते हैं जिन्हें पाइल्स नहीं होता है, लेकिन मसालों का अधिक सेवन आपको इस बीमारी से ग्रस्त बना सकता है। और यदि आप पहले से ही मरी है तो यह आपकी समस्या को और बढ़ा सकता है। दूसरा है फास्ट फूड से बचें। यदि आपको बवासीर है तो फास्ट फूड से जितना हो सके दूरी बनाए रखें। इसकी बजाय आप फलों या कुछ खास सब्जियों जैसे पत्ता गोभी, चुकंदर, छाछ, दही, प्याज आदि को अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं, जो काफ़ी फायदेमंद होती हैं। तीसरा है जिससे आपको दूरी बनाए रखनी है, राजमा व मसूर से बचें। यदि आप राजमा चावल खाने के शौकीन हैं तो आपको इस शौक से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि राजमा व मसूर जैसी चीज़ें पाइल्स के रोगियों के लिए बेहद नुकसानदायक होती हैं और ये बादी की चीज़ें होती हैं जो कि बवासीर की बीमारी को और भी बढ़ाती हैं। चौथी है दोस्तों उड़द की दाल, इससे तो दूरी बना के रखनी चाहिए, बादी की सौदा है ये। भोजन में उड़द की दाल से बनी चीज़ों का सेवन जितना हो सके कम ही करें, क्योंकि ये आपकी समस्या को बढ़ा देती है। पाँचवा है दोस्तों घी। वैसे तो घी आपके शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, परंतु कई बार इसका सेवन बवासीर के रोगियों की समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए घी का सेवन तभी करें जब यह आपको सूट करता हो। तो दोस्तों ये था मेरा छोटा सा प्रयास, बवासीर की परेशानी से बचने के लिए आपको किन किन चीज़ों से परहेज रखना है वो। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी कोशिश पाइल्स के रोगियों की हेल्प के लिए। अगर आप इस भयानक बीमारी से बचना चाहते हैं तो ऊपर बताए गए परहेज करें और अपने पैसे बचाएं, और महंगे से महंगे ट्रीटमेंट और ऑपरेशन से भी आप बच सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर टिप्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि हम आपको नए नए वीडियोस भेजते रहेंगे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को देखने के बाद शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इससे किसी की हेल्प हो सकती है। और आप जानते हैं मदद करना एक अद्भुत एहसास है। तो इसके साथ ही मैं चलता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। थैंक यू दोस्तों, बाय।